गाइस वेलकम बैक टू द चैनल नाइस बाइकर अथर्व एंड टुडे आई एम वेयरिंग अ ट्रेडिशनल अटायर। सो अभी मैं एक शादी अटेंड करने जा रहा हूँ। सो दो दिन की शादी होगी, सो आज और कल। सो दिस इज़ द डे वन और अभी शाम के 7 बज रहे हैं। सो या इट इज़ अभी रात है। सो दिस इज़ द डे वन या फिर नाइट वन और फिर कल जो मेन शादी है, मतलब जो सो मैं आज आपको और कल मैं जो इंडियन वेडिंग होती, मतलब जी आमच्या मराठी ब्राह्मणांचं लग्न असतं ना, ते मी तुम्हाला आज या ब्लॉगमधून दाखवेल। सो हा ब्लॉग आजचा आणि उद्याचा असेल। सो इट वुड बी अ कंबाइंड ब्लॉग। सो आज आहे 7th of December 2019 आणि उद्या असेल 8th December 2019। सो माझ्या अ टाईप ऑफ बहिणीचंच लग्न आहे। सो दॅट इज टुमॉरो ॲट 10:23 AM। सो आय एम जस्ट नाव ट्रैवलिंग देयर। सो अभी औरंगाबाद रोड पे है। सो अभी जस्ट निकलने वाले हम लोग। आई एम जस्ट वॉन्ट टू वेयर माई शेरवानीज और दिस इज माई न्यू पैरेट। हाय या सो मैं रेडी हो गया फुल। सो अभी निकलते हैं और मिलते हैं रास्ते में और फिर डायरेक्टली शादी में मिलते हैं। सो फाइनली आई एम इन द कैब एंड हेडिंग टुवर्ड्स यश लॉन्च। सो आज वहाँ पे वेडिंग में आज मतलब मेरी जो दीदी की शादी है वहाँ पे श्रीमान पूजन है। सो वो हमारी एक शादी की पहले रात में एक पूजा रहती है, वो बहुत शुभ और इम्पोर्टेंट होती है। सो वो मैं आपको वहाँ पे जाके दिखाता हूँ। टिल देन यू एंजॉय अ ब्यूटीफुल टाइम लैप्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड। यश लॉन्च पे पहुंच गया हूँ, एज यू कैन सी मी बिहाइंड। सो अभी अंदर चलते हैं और मैं आपको श्रीमान पूजन दिखाता हूँ। लेट्स गो, चलो चलो अंदर। और बहुत और यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है। या बहुत अच्छा। सो दिस इज साइड से वो टोपी पहनते हैं ऐसा, एज यू कैन सी। सो ये लड़का और लड़की के मामा जी है। तो इन्होंने अभी एक दूसरे को पेड़ा खिलाया और अभी गले मिलेंगे और उसके सबसे पहले नारियल एक दूसरे के हाथ में दिया और अभी वापस गले मिलेंगे फॉर अ फोटो। सो अभी डिनर करते हैं। वी आर हैविंग अ ब्यूटीफुल डिनर ओवर हियर। सो फिर वापस हम लोग अंदर जाएंगे और आगे का जो भी विधि है वो दिखाता हूँ मैं आपको। अभी तक दीदी आना बाकी है, सो फिर उसके साइड के जो विधि है फिर वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी 9:30 हो गए तो पहले फर्स्ट क्लास डिनर करते फिर कंटिन्यू आवर। वो जो ऊपर बैठे वो मेरी दीदी है। सो द गर्ल इन द ब्लू साड़ी इज माई दीदी। यूट्यूब ब्लॉग। सो वो जो ब्लू साड़ी में बैठी है वो मेरी दीदी है और उसके मॉम डैड और ये इनके ससुर जी और सासू माँ है। सो दिस इज द श्रीमान पूजन गोइंग ऑन। हे गाइज आई कॉल इट अ डे फॉर टूडे एंड दिस इज द एंड ऑफ द डे वन। सो अभी मैं घर पे जा रहा हूँ, रात के 11:30 हो गए और मुझे कल सुबह वापस 8 बजे यहीं पे आना है। सो मुझे जल्दी घर पे पहुँचना है और अभी मेरी ओला आ रही है।
सो अभी फटाफट घर पे जाके सो जाना है, फिर जल्दी सुबह 7 बजे उठ के वापस 8 बजे तक यहाँ पे आना है, 9:30 बजे की शादी है। सो या इट्स अ वेरी हेक्टिक डे एंड मेरे एग्जाम्स भी आने वाले, सो पढ़ाई भी करनी है, तो बहुत काम है, देखते अभी कैसे सब मैनेज करना है, लेकिन सो फार सो गुड, ऑल इज डूइंग ग्रेट। या एक्सयूवी मेरी फेवरेट एसयूवी है, या सो आई कॉल इट अ डे वन। सो मिलते हैं कल सुबह, दैट्स द डे टू, और कल तो बहुत मज़ा आएगा, और कल मेरा ड्रेस तो और भी ऑसम रहेगा, आई होप आज भी अच्छा दिख रहा हूँ मैं, और ये पीछे लाइट्स है। सो चलो मिलते कल सुबह, अभी मैं बहुत थक गया हूँ, सो अभी संगीत भी हो गया यहाँ पे, सो अभी मिलते कल सुबह, टिल देन स्टे ट्यून्ड। हेडिंग टूवर्ड्स माई होम, इट्स लेट नाइट, सो बहुत नींद आ रही है अभी, सो अभी डायरेक्ट कल सुबह मिलते हैं, अभी गुड नाइट। Guys, good morning, it's day 2 and today is 8th of December 2019 and subah ke 7:30 ho rahe and I'm full ready to go. Yeah, I'm wearing a formal suit and a formal dress and bow tie and I'm looking very much perfect. So abhi meri didi ki shaadi ke liye rock karne ke liye perfect attire hai aur yahan pe Nasik mein bahut thandi bhi hai. So yeah, so isliye maine phir bola ki suit pehante hai. To वैसे तो मैंने white shirt aur ट्राउज़र तो पहनी थी, लेकिन बहुत ठंडी हो रही थी तो मैंने ऊपर से कोट भी डाल दिया, सो इट इज़ लुकिंग लाइक अ परफेक्ट। सो अभी मैं निकल रहा हूँ, सो अभी डायरेक्ट मिलते हैं यस लॉन्च पे, लेट्स गो, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू टुडेज इंडियन वेडिंग, इट इज़ गोना बी अ हेल ऑफ अ एक्सपीरियंस एंड आई जस्ट लव इंडियन वेडिंग्स। सो फाइनली मैं यस लॉन्च पे पहुँच गया हूँ और मेरे पीछे ब्रास बैंड वाले, सो अभी सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। या सुबह के 9 बज गए हैं, मेरे बैग्स वापस से, फाइनली हैविंग माई ब्रेकफास्ट माई टी। सो और बाजू में लॉन्स है तो वहाँ पे बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है, तो वहाँ पे भी जाता थोड़ा सा। सो आता इकडे रुखो त्याचं जेवण मांडलं आहे, सो मी तुम्हाला दाखवत होता ते। सो इथे मुलाकडचे जेवढे पण इम्पॉर्टंट मंडळी असतात ते बसलेले, आणि त्यांना आता मुलीकडचे जे मेन पाहुणे लोक असतात ते त्यांना भरवतात। सो आय विल शो यू, सो इकडे सगळे बसलेले, आय विल गो बिहाइंड द कॅमेरा, ज्येष्ठ लोक बसलेले आहेत मुलाकडचे, सॉरी। सो हा नवरदेव आहे, कुछ पैलेस टाइप डेकोरेशन किया है, बहुत अच्छा दिख रहा है ये, और रात में तो इसके ऊपर लाइटिंग भी होने वाली है, और भी फ्लावर का डेकोरेशन होने वाला है, और यहाँ पे और भी कुछ डेकोरेशन होने वाला है। सो अभी चालू है वो, सो आई होप मैं शाम तक यहाँ पे रहता हूँ तो मैं आपको ये वाला पूरा डेकोरेशन दिखाता हूँ। सो अभी अंदर चलते हैं, क्योंकि अभी शादी चालू होने वाली है, और अभी जस्ट हमारे जो दूल्हे राजा है वो वरात लेके आने वाले, सो अभी वो देखते कि वरात हमारी कैसे आती, वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। या चलो लेट्स गो, बहुत बैंड बजाएंगे और नाचेंगे। आ गए ये फाइनली, और पीछे दूल्हे राजा भी आ गए, सो अभी मस्त होकर गाना बजाना होगा और नाचना भी होगा, तो अभी थोड़ा सा नाचते हैं गाइस, लेट्स गो। एक मधले साईडला सर का मधले फाइनली अभी दीदी स्टेज पे जाने वाली है हमारी, सो हमारी दीदी फाइनली स्टेज पे आ गई है, मुलीचे मामा तिला स्टेज वर घेऊन आले आता। तर पाट्याचा विधी चालू, सो मी तुम्हाला वरती जाऊन दाखवत होतो। Oh
फायनली अंतरपाटाचं विधी झालेलं आहे आणि दोघांनी एकमेकांना हार घातलेले आहे. गाईज, सो फायनली माझ्या दीदीचं आणि जिजीचं लग्न आता संपन्न झालं व्यवस्थितप्रमाणे. सगळे विधी पण दाखवले, कालचं श्रीमान पूजन किंवा ग्रहमग आणि त्याच्यानंतर आजचा डे टूमध्ये जे काही जिजूंची एंट्री, त्याच्यानंतर वरात, त्याच्यानंतर नाच गाणं आणि अजून जे काही होतं म्हणजे अंतरपाठ आणि त्याच्यानंतर हार वगैरे घालण्याची जी विधी होती, त्याच्यानंतर 7 फेरे पण झाले आणि मंगळसूत्र घालण्याची पण विधी झाली. ते मी शूट नाही केलं, त्याचे मी फोटोज काढले फक्त बिकॉज तिथे मला स्पेस नव्हती, म्हणजे तिथे मला शूट नाही करता आलं, बट मी फोटोज काढलेले आणि अशा प्रमाणाने लग्न संपन्न झाले. सो आता स्टेजवर जायचं आहे आणि मग स्टेजवर जाऊन आल्यानंतर मग लंच करायचं आहे आणि मग आजचा डे टू संपला आणि लग्न व्यवस्थितपणे पार झालेलं आहे. सो हॅपी मॅरिड लाईफ टू रुचा दीदी अँड सूरज जिजू. सो इट वॉज अ व्हेरी नाईस वेडिंग आणि खूप सगळं मस्त व्यवस्थित पद्धतशीर आणि खूप चांगल्या प्रमाणाने आणि ग्रँड स्टाईलमध्ये लग्न संपन्न झालेले. सो आता आपण स्टेजवर जाऊन तिथून लंच करू आणि मग डायरेक्ट आपण घरी भेटू. ओके, सो फायनली इट्स टाईम टू गो ऑन द स्टेज. सो इट्स टाईम टू मीट द ब्राईड अँड ग्रूम. अरे जाण आहे रुकवत. हे मुलीकडचे जे घरचे असतात ते मुलीला ॲज अ गिफ्ट म्हणून लग्नामध्ये भेट देतात. जे हे ती सगळं सासरी घेऊन जाते. दॅट इज लाईक अ गिफ्ट, समथिंग लाईक दॅट. सो मला एवढंच माहिती आहे, सो मी तेवढं सांगतो. हे रुकवतामध्ये मोस्ट ऑफ द भांडी कुंडी आणि फराळाचं सामान असतं, लाईक दिस ग्लास अँड क्रॉकरी अँड करंजी, अनारसे, लाडू वगैरे, असं सगळं तिचे घरचे तिला बनवून सासरी पाठवतात, म्हणजे तिला माहेरची आठवण येऊ नये म्हणून. सो दॅट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस रुकवत. या, सो फार सो गुड. थँक यू फॉर हॅव्हिंग अ ब्युटिफुल लंच. लेट्स गो अँड हॅव ब्युटिफुल लंच. फायनली ब्युटिफुल लंच. सो आय हॅव हिअर गुलाबजाम, रसमलाई, पनीर की सब्जी, रोटी और पूरी. आई एम गोना हैव अ ग्रेट टाइम हियर और फिर बाद में खिचड़ी और आइसक्रीम भी है. सो या, लेट्स एंजॉय. सो फाइनली द वेडिंग इज ओवर एंड आई एम गोइंग टुवर्ड्स होम. सो अभी घर पे जाके बात करते हैं. हे गाइस, तो फाइनली मैं घर पे पहुंच गया हूं और अभी रात के 11 बज रहे. सो मैं घर पे आके बहुत थक गया था और शाम के 6 बजे मैं घर पे आया, तो उसके बाद मैं सो गया था. And I had a really a very bad cramp on my left leg when I was sitting on the bike. Yeah, so my leg is still not yet recovered. So abhi main soonga, dawai kha li hai maine. I hope subah tak pair theek ho jaye kyunki mujhe kal subah jogging pe bhi jana hai. And I hope guys aapko aaj ka ye special Indian vlog pasand aaya hoga, Indian wedding vlog pasand aaya hoga. And मराठी लग्न होतं आहे, ब्राह्मणांचं लग्न होतं, प्युअर ब्राह्मण लोकांचं लग्न होतं. सो आय होप तुम्हाला जेवढे पण मी विधी दाखवू शकलो ते तुम्हाला सगळे आवडले असतील. अँड फॉर एनी काइंड यू लाईक दिस व्हिडिओ, डोंट फर्गेट टू हिट द लाईक बटन, कॉमेंट ऑन द व्हिडिओ, शेअर दिस व्हिडिओ, अँड इफ यू आर न्यू ऑन द चॅनल देन डोंट फर्गेट टू सबस्क्राईब द चॅनल अँड डोंट फर्गेट टू हिट द बेल आयकन, सो विल नेवर मिस माय न्यू अपडेट्स. एंड और एक अनबॉक्सिंग वाला वीडियो आने वाला है, वो इसके पहले शूट हो गया था लेकिन उसको एडिट करने में थोड़ा टाइम लगने वाला है. और भी दो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं ऑनलाइन से, सो उसकी भी अनबॉक्सिंग उसमें ही कर लूँगा ताकि और दो चार वीडियोज़ आने की जगह एक ही वीडियो में सारी अनबॉक्सिंग हो जाए. सो वो वीडियो इसके बाद 2-3 दिन में आ जाएगा. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड राइड सेफ एंड आई होप यू गाइज लाइक माई टुडेज़ ब्लॉग.